ये कहता है, देखो काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, एक दो पार्टिकल हैं सर्कल में घूम रहे हैं, देयर आर टू पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल दो का, दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक का आर ए है और एक का आर बी है, इसका टाइम पीरियड टी ए है, इसका टाइम पीरियड टी बी है। कंडीशन ये दिया है कि इन दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है, तो सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, टाइम पीरियड होता है 2πr, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें ओमेगा के बारे में प्रिडिक्शन करना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, ओमेगा आप पढ़े हो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πt। तो ये अब अगर मैं रेशियो दो दो के लिए लगाता हूँ, दोनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है टाइम पीरियड दोनों का बराबर है, अगर टाइम पीरियड दोनों का बराबर है तो हमें ओमेगा के बारे में क्या लिखना है, ओमेगा ऑफ ए ओमेगा ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ बी और टाइम पीरियड ऑफ ए, दैट इज वन रेशियो वन, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। टाइम ओमेगा का जो है वो ओमेगा भी इक्वल होगा अगर टाइम पीरियड इक्वल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो है वो अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2πt है, अगर कितने भी पार्टिकल हैं जिनका टाइम इक्वल है तो ओमेगा तो इक्वल होगा 2π यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो